हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर न्यूमेरिकल ऑफ आरसीसी। ये न्यूमेरिकल भी हमारा डबली रीइंफोर्स्ड बीम का है एंड इसमें भी हमें क्या डिटरमाइन करना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करना है। बट इसके सेकेंड पार्ट में हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ स्टील बीम थ्योरी के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टील बीम थ्योरी देख लेते हैं क्या होती है। स्टील बीम थ्योरी इज यूज टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ डबली रीइंफोर्स्ड बीम, स्पेशली व्हेन द एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील इज इक्वल टू और मोर देन द एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील। जो स्टील बीम थ्योरी है वो हम कब यूज़ करते हैं, स्पेशली तब यूज़ करते हैं जो हमारे ये कंप्रेशन जोन में जो स्टील है ये या तो इक्वल हो किसके, इसके, इस वाले स्टील के, या तो इससे ज़्यादा हो, तो इसी केस में हम स्टील बीम थ्योरी का यूज़ करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। नाउ हमें अच्छे से पता है कि जो डबली रीइंफोर्स्ड बीम होता है उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम नॉर्मली कैसे फाइंड करते हैं, दो पार्ट्स में तोड़ के फाइंड करते हैं। देखिए एक क्या होगा, देखिए जो ये स्टील जो यहाँ पे कॉन्क्रीट है एंड जो स्टील बैलेंस स्टील जो है बैलेंस सेक्शन तक की जो स्टील है जिसको हम AST1 कहते हैं, उनके बीच जो कपल लगेगा, देखिए इसके इन दोनों के बीच जो कपल लगेगा, ठीक है इसको इस डायरेक्शन में अगर हम मान लेते हैं तो इन दोनों के बीच जो कपल लगेगा मान लो ये M1 इसके द्वारा प्लस क्या कर देते हैं कि जो हम कि ये जो ASC है ASC एंड जो AST2 है इसके बीच जो ये कपल है तो इसका ये द्वारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो M1 प्लस M2 इनको ऐड करके हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं नॉर्मली, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ये किसकी वजह से है, पहले वाले केस की वजह से, एंड ये किसकी वजह से है, दूसरे वाले केस की वजह से। बट इन केस ऑफ स्टील बीम थ्योरी हम क्या मानते हैं, कॉन्क्रीट इज कम्प्लीटली निग्लेक्ट, जो कॉन्क्रीट है उसको तो हम कम्प्लीटली निग्लेक्ट कर देते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज टेकन इक्वल टू द अमाउंट ऑफ कपल ऑफ कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेस, जो हमारी कंप्रेसिव यहाँ पे इसमें देखें तो ज़्यादा अच्छा, जो कंप्रेशन में स्टील है एंड जो टेंशन में स्टील है इनके बीच जो कपल लगेगा बस उसके द्वारा ही हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लेते हैं। एंड जो परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील है, जो कंप्रेशन में हमारी जो स्टील है उसकी जो हम परमिसिबल स्ट्रेस मानते हैं वो इक्वल टू मान लेते हैं परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंसाइल, जो टेंसाइल एंड कंप्रेशन दोनों में ही इक्वल मान लेते हैं। सो सिंपल सा हमारा फॉर्मूला बन जाता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू AST मीन्स एरिया। अब हमने ये मान के चले ना कि ये दोनों बराबर हैं, इसलिए चाहे AST ले लें या ASC ले लें एक ही बात है, तो AST इंटू जो हमारी स्ट्रेस है तो क्या हो गया एरिया, एरिया की मल्टीप्लाई लीवर आर्म से कर दो, लीवर आर्म क्या हो गया ये वाली नहीं होगी लीवर आर्म क्योंकि हम इन दोनों के बीच ले रहे हैं ना, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस दैट इज D-TC। सो ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना होगा। Now let's come to our question. Our question is a doubly reinforced rectangular beam of breadth B and effective depth D has tensile reinforce equal to 1.2% and compressive reinforce also 1.2%. देखिए इसीलिए यहाँ पे हम स्टील बीम थ्योरी लगा रहे हैं क्योंकि जो टेंसाइल एंड कंप्रेसिव रीइन्फोर्समेंट है जो स्टील प्रोवाइड की है वो इक्वल हमने प्रोवाइड की है। द कंप्रेसिव रीइन्फोर्समेंट इज एट 0.1D बिलो द टॉप, ये हमें DC की वैल्यू दे रखी है मीन्स कवर दे रखा है ऊपर से। डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन इफ द परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कॉन्क्रीट मीन्स सिग्मा CVC एंड स्टील मीन्स सिग्मा ST की वैल्यू हमें दे रखी है एंड हमें M की वैल्यू भी दे रखी है। तो ये तो हमारा पहला पार्ट हो जाएगा। सेकेंड पार्ट क्या है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय द स्टील बीम थ्योरी। स्टील बीम थ्योरी से भी हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम हमारे सेक्शन बना लेंगे एंड जैसे ही सेक्शन बना लेंगे तो उसके साथ ही उसका स्ट्रेस डायग्राम भी बनाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन अभी हमने यहाँ पे इसको सिग्मा CVC एंड सिग्मा ST लिख रखा है लेकिन ये जरूरी नहीं सिग्मा CVC या सिग्मा ST हो, इसको हम सेक्शन को देख के बताएंगे। एंड हमने AST कितनी दे रखी, 1.2% ऑफ किसका, टोटल एरिया का ना, तो BD का। ASC भी सेम ही दे रखी एंड DC जो ऊपर से कवर है वो दे रखा है 0.1D एंड सिग्मा CVC एंड सिग्मा ST एंड M की वैल्यू दे रखी है। स्टेप हमारे वही हैं, पहले हम एक्चुअल डेप्थ फाइंड करेंगे देन क्रिटिकल डेप्थ देन कंपेयर करेंगे फिर उसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। सो एक्चुअल डेप्थ के लिए क्या होगा, मोमेंट ऑफ कंप्रेसिव एरिया इक्वल टू मोमेंट ऑफ टेंसाइल एरिया। सो अगेन हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा रखा है, अगर आप चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, लाइक पहले हमने टोटल कंप्रेशन के लिए लिख लिया ठीक है, बट इन पॉइंट्स पे तो कंप्रेशन है नहीं तो इसके लिए माइनस कर दिया ठीक है, ये जो यहाँ पे ये माइनस वाला है ये वाला माइनस कर दिया एंड देन फिर इसको यहाँ पे चूंकि स्टील है तो स्टील को इन टर्म्स ऑफ कॉन्क्रीट चेंज करके हमने इसको प्लस कर दिया तो टोटल ये बनता है। एंड जो स्टील का है मोमेंट ऑफ टेंसाइल एरिया वो तो सेम ही रहेगा, उसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ पे जो कॉन्क्रीट होता है उसको हम इग्नोर करते हैं। सारी वैल्यूज पुट करेंगे, हमें एक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेंगी, इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x a की वैल्यू इन टर्म ऑफ d मिल जाएगी, बिकॉज हमें b एंड d की वैल्यू पता नहीं, तो इन टर्म्स ऑफ हमें ये d मिल। सेकेंड स्टेप हमारा क्रिटिकल डेप्थ फाइंड करना है, तो क्रिटिकल डेप्थ के लिए ये फॉर्मूला होता है, kc का ये फॉर्मूला होता है, सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो अगेन हमें xc भी इन टर्म्स ऑफ d मिल जाएगी। थर्ड है कंपेयर करना, कंपेयर करेंगे तो xc हमारा बड़ा है xa से, इसका मतलब बीम हमारी अंडर रिइंफोर्स्ड बीम है। अंडर रिइंफोर्स्ड मीन्स स्टील कम है, तो स्टील पहले फेल करेगी, तो स्टील अपनी परमिसिबल स्ट्रेस पहले गेन कर लेगी, यानी सिग्मा एसटी गेन कर लेगी। अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन है तो इसका मतलब सिग्मा सीवीसी तो अचीव कर नहीं पाएगा, तो मान लो कोई सिग्मा सी है जो ये अचीव कर रहा है। नाउ सिग्मा सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इस वाले ट्रायंगल एंड इस वाले ट्रायंगल में सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा के सिग्मा सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो फ्रॉम फिगर ये सिग्मा सी, सिर्फ सिग्मा सी, सिग्मा सी बी सी नहीं, सिग्मा सी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 4.06 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। जो सिग्मा सी की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 4.06 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। सिग्मा सी बी सी हमें कितनी दे रखी थी, सिग्मा सी बी सी इक्वल टू 5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, मीन्स जो हमारा कॉन्क्रीट है उसकी परमिसिबल स्ट्रेंथ जो है वो अच्छे से यूज़ नहीं हो रही है। नाउ ये जो हमारा छोटा वाला ट्रायंगल है एंड ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसमें सिमिलर प्रॉपर्टी लगा के हम सी डैश की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो सिमिलरली प्रॉपर्टी लगा के हम सी डैश की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो कितनी आ रही है, 2.91 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। नाउ हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कॉन्क्रीट बहुत ईजिली हम फाइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, ये सिंगली रिइंफोर्स्ड में था वही है, ये वाला डब्ल्यू के लिए और हमने ऐड कर दिया, ठीक है। कैसे किया वो हम अच्छे से देख चुके हैं। सॉल्व करेंगे तो हमें इन टर्म्स ऑफ बी एंड डी, क्योंकि बी एंड डी की वैल्यू तो दे नहीं रखी थी, तो बी एंड डी के टर्म्स में हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाएगा, डेट इज़ 1.517 वी डी स्क्वायर न्यूटन एम एम। सो फर्स्ट पार्ट तो खत्म हुआ, सेकेंड पार्ट क्या था, यूजिंग स्टील बीम थ्योरी भी हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला तो देख ही लिया, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करेंगे एंड ईजिली हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो अप्रॉक्स सेम ही आ रहे हैं दोनों ही केस में। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ आया होगा। थैंक यू।